जब हम वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात करते हैं तब हम शायद इस बात का एहसास नहीं रखते कि कितना अहम है औरतों को आगे आकर अपने विचार का प्रस्ताव करना, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बोलना, क्योंकि आई थिंक जब डिस्कशन होता है, कम्युनिकेशन होता है, तभी सही तरीके का एम्पावरमेंट होता है. क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे औरतें हैं जो शायद एक दिशा में सोच ही नहीं पाती. अगर औरत एजुकेट होती है, अगर औरत MBA इंजीनियर बन जाती है, तो ऐसे बहुत औरतें हैं समाज में जो इन औरतों को कर्स समझती हैं कि अरे तुमने इतना ज़्यादा पढ़ लिया अब तुमको अच्छा लड़का कैसे मिलेगा, तुमने इतना ज़्यादा पढ़ लिया अब तुम घर कैसे संभालोगी. तो ये जो सोच है इनको अगर बदलना है हमको, तो ये सब बातें करना बहुत ज़रूरी है. मैम, बहुत सी औरतें जो मल्टीटास्किंग है, घर के भी काम करते हैं, बाहर भी काम करते हैं, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं इंस्टेड ऑफ मोटिवेटिंग बट डीमोटिवेट किया जाता है, तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहूँगी कि जितना पावर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस औरत को देता है वो शायद ही कुछ देता हो. और आई थिंक जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट औरतें हैं वो ये सब समस्याओं को बड़े अच्छे से झेल सकते हैं. आर यू हैप्पी विद द करंट सिचुएशन ऑफ इंडिया? देयर इज अ लॉट ऑफ चेंज दैट वी नीड टू मेक, बट वी आर अ ग्रेट कंट्री, वी आर एन ऑल एम्ब्रेसिंग अमेजिंग कंट्री. और कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे हिस्से हैं हमारे समाज के जो हु एक्ट आउट, हु आर इनटॉलरेंट, थोड़ी सी बदमाशी कर लेते हैं, लेकिन उन्हें भी सुधार आएगा.